तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार हम बातचीत कर रहे हैं मदरसों पर जो सर्वे हो रहा है, मदरसों का जो सर्वे हो रहा है, वो मदरसे जो कि प्राइवेट मदरसे हैं, किसी भी सरकारी संस्थान से जो संबद्ध नहीं है, उन मदरसों का जो सर्वे है वो किया जा रहा है। और इसी को लेकर तमाम बिंदुओं पर सर्वे जो है वो किया जा रहा है। लगभग 12 बिंदु ऐसे हैं जिनको लेकर मदरसों का सर्वे किया जा रहा है, और इसी को लेकर लगातार सवाल जो है वो खड़े किए जा रहे हैं। अतीक जी, आपने जिस तरह से कहा कि आखिर मंदिरों का जो है वो सर्वे क्यों नहीं किया जा रहा है, शबनम जी आप बताइए, क्या केवल मदरसों का ही सर्वे क्यों किया जाता है? मंदिरों का सर्वे करवा लीजिए ना आप, अगर वहां पर भी चंदा अवैध रूप से कहीं से आ रहा होगा तो उसकी भी जांच जो है वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अतीक जी का यही कहना है। अतीत जी मदरसे के सर्वे पे इस तरीके से बौखला रहे हैं जैसे चोर के दाढ़ी में तिनका। आखिर क्या इन्हें परेशानी है, मुझे समझ में नहीं आता। अगर ये कहते हैं कि नहीं कराना चाहिए तो क्यों नहीं कराना चाहिए, इसका जवाब इन्हें होना चाहिए। क्योंकि इन्हें मालूम है कि माननीय योगी आदित्यनाथ के पहले कार्यकाल में भी कुछ मदरसे ऐसे पकड़ाए थे जहां अनैतिक कार्य हो रहे थे, और ये तमाम इलेक्ट्रॉनिक चैनल से लेके अखबारों की सुर्खियां बनी थी। लेकिन तमाम ऐसे भी मदरसे होंगे जो निश्चित तौर पे बहुत अच्छे कार्य कर रहे होंगे, बच्चों के हित में, नौनिहाल के हित में कर रहे होंगे। उन्हें कैसे फंडिंग आ रही है, उधर क्या पाठ्यक्रम चल रहा है, कितनी संख्या में वहाँ पे विद्यार्थी है, उन्हें क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है, वहाँ पे सुरक्षित भवन है कि नहीं, पेयजल है कि नहीं, फर्नीचर है कि नहीं, विद्युत आपूर्ति है कि नहीं, शौचालय है कि नहीं। तमाम ऐसे बिंदु है जिन पर की सर्वे होगा। ये लगातार आपत्ति व्यक्त करके ये जता रहे हैं कि कहीं काला है, बोलेंगे तो सबको समझ आएगा लगता है। नहीं तो मदरसों के सर्वे में तो अच्छा है, सर्वे हो, मदरसे जो बेहतर कार्य कर रहे हैं। ठीक है शैलेंद्र जी देखिए, शबनम जी कह रहे हैं कि मदरसों का सर्वे हो अच्छा है, अतीक जी कह रहे हैं कि आखिर मंदिरों का सर्वे क्यों नहीं करवाते हैं आप लोग, मंदिरों का भी सर्वे हो तो पता चल जाएगा ना कि कहां से चंदा आ रहा है और कितना अवैध तरीके से, कुछ गलत चंदा तो नहीं आ रहा है किसी ऐसी जगह से जहां से नहीं आना चाहिए, तो मंदिरों का भी सर्वे हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस पूरे मामले पर राजनीति क्यों हो रही है? देखिए एक बात समझ लीजिए, मैंने आपको पहले कहा कि इसके दो पहलू, और उस एक पहलू पर अपने अनीश जी बोल रहे हैं, दूसरे पहलू पर शबनम जी बोल रही हैं, और इन दोनों पहलू का अलग अलग सार आप निकालेंगे तो अलग अलग दिशा में जाएगा। कुल मिलाकर के कुछ नहीं होगा, केवल और केवल प्रोपेगेंडा होगा, एजेंडा होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। और अगर इसकी जो है वास्तविकता इसके उसमें जाए में जाते हैं तो इस पर शिक्षा को लेकर के एक बड़ी अच्छी पहल होनी चाहिए, लंबा समय जो है जांच का नहीं होना चाहिए। इन तमाम सारी चीजों को देखते हुए, इसका शैक्षिक दृष्टिकोण देखते हुए, इस तमाम चीजें ऐसी हैं। और पूर्व में अभी तक जो 6 साल की सरकारें रही, उन्होंने मदरसों के साथ जो दुर्व्यवहार किया है या जिस तरह का बजट उनके बजटों में जिस तरह से वो हुआ है, उस पर कुछ नहीं कार्रवाई हुई, किसी को कुछ सजा नहीं मिली है। इन सारे दृष्टिकोणों को देखते हुए मेरा अपना मानना है कि शिक्षा के स्तर पे किसी प्रकार की जांच कराने की जरूरत है। तो वो XYZ क्या सिटी मॉन्टेसरी स्कूल आज में लाखों रुपए की फीस लेता है, कोई बोलने वाला है? तमाम स्कूल प्राइवेट स्कूल लखनऊ शहर में है, कितने बच्चे उनके फ्री पढ़ते हैं, कितने बच्चे वो RTE में पढ़ाते हैं, कितने बच्चे वो कितने परसेंट छूट पढ़ाते हैं, कोई पूछने वाला है? अरे कोई पुरुषा हाल आप बताइए, क्या बताया जाएगा कि कोरोना काल में कितने स्कूलों की फीस माफ हुई है? कोई बताएगा कि कोरोना काल में किन स्कूल के बच्चों को जो है प्रताड़ित नहीं किया गया है? कोई है? कोई नहीं है किसी। इसलिए ये सब बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूँ, ये एजुकेशन वाले लोग ये गोरख धंधा लंबा चलाते हैं, इन पे सरकार की अगर असली मानसिकता मंशा है और सरकार अगर दमदार है और सरकार का इकबाल अगर बुलंद है तो वो शिक्षा पर एक ऐसा कानून लाकर दिखाए। ठीक है शबनम जी, शबनम जी शैलेंद्र जी सवाल उठा रहे हैं कि देखिए कोविड काल के बाद जो है वो प्राइवेट स्कूलों ने किस तरह से मनमानी की, उस पर तो आपने कोई सवाल नहीं उठाया, किसी भी तरह की कोई जांच नहीं की। ऐसा तो तमाम जो जिनकी जिन अभिभावकों की नौकरी जो है वो छूट गई थी, वो भी उनको भी बेचारों को जो है वो कहीं ना कहीं जो फीस जो है वो प्राइवेट स्कूल में भरनी पड़ी, उस पर तो आपने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन मदरसों पर आप इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, सर्वे करवा रहे हैं, वहाँ पर फंडिंग किस तरह से हो रही है उसकी जाँच करवाई जा रही है, इन प्राइवेट स्कूलों पर भी तो कोई कार्रवाई की जाएगी ना शबनम जी?
देखिए, सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब कोई सार्थक कदम सरकार उठाती है, चाहे वो मदरसे की जांच और सर्वे की भी बात है, ये एक सार्थक कदम है, क्योंकि ये किसी से छिपा नहीं है कि कई ऐसे मदरसे बंद किए गए जिनमें अनैतिक कार्य हो रहे थे, जिनमें कहीं ना कहीं सरकार को मदरसे के नाम पे, जनता को मदरसे के नाम पे ठगा जा रहा था। ये इस बात से ना अतीत जी मना कर सकते हैं, ना शैलेश जी मना कर सकते हैं। अब रही बात कोविड काल में कौन से प्राइवेट स्कूल और क्या, तो मैं शैलेश जी से ये भी कहना चाहूंगी, जब भी प्रश्न करते हैं तो पूरी अच्छी तरीके से देश के अन्य हिस्सों में भी देख लीजिए जहाँ आपकी सरकारें हैं और आपने क्या क्या किया प्राइवेट स्कूलों के अगेंस्ट। अगर यहाँ पे सरकार ने यहाँ तक एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि विद्यार्थियों से कोविड काल में कम फीस ना ली जाए, जो गरीब हैं उनकी फीस को कुछ प्रतिशत तक माफ किया जाए, तमाम ऐसी सुविधाएं सरकार ने दिया है और लोगों ने उन सुविधाओं को अवेल भी किया है। लेकिन मैं राजस्थान के बारे में भी पूछना चाहती हूँ, जो चिंता व्यक्त करते हैं अन्य राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश के लिए, उन्हें उन प्रदेशों में भी इस चिंता को व्यक्त करना चाहिए जहां इनकी सरकारें हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के एजेंडे पे काम करती है। हर मुद्दे पे, किसी मुद्दे को हिंदू मुसलमान बनाने की जरूरत नहीं है। अगर सरकारी स्कूलों की जांच होती है तो मदरसे की जांच। ठीक है, शैलेंद्र जी से जवाब लेते हैं शबनम जी। ठीक है शैलेंद्र जी, जवाब दीजिए आपकी, आप कांग्रेस शासित जो राज्य है वहाँ पर क्या ये निर्णय लिया जाएगा, इस तरह का इनिशिएटिव लिया जाएगा? देखिए, मैंने जो बात की है वो किसी एक सरकार की बात नहीं की, मैंने कहा पूरे देश में किसी भी राज्य के सरकार को ये नहीं करना चाहिए। और राजस्थान की बात है, राजस्थान में तमाम स्कूलों की फीस माफ हुई है, उनका रिकॉर्ड मेरे पास है, मैं आपको भेज सकता हूँ, आप उनको भेज दीजिएगा। इनका उनका से काम नहीं चलेगा, मेरी बात सुनिए। व्यवस्था प्रश्न की प्रश्न पर है, व्यवस्था पर प्रश्न है। अगर आप व्यवस्था नहीं देंगे तो लोग सवाल उठाएंगे, व्यवस्था दीजिए, आपके सार्थक कदम का स्वागत होगा, उस पर आपको मालाएं पहनाई जाएंगी, नहीं होगा तो टमाटर फेंके जाएंगे, उसमें कौन सी दिक्कत है? जनता जनार्दन है इस देश में। आप कुल मिलाकर के उन गरीब बच्चों के, उन गरीब परिवारों के बारे में पूछिए, पुरता हाल कोई नहीं रहा है। स्कूल की फीसें जमा करा ली गई, स्कूल नहीं गया तब भी ले लिया गया, मार्कशीट टीसी देने पर तक लोगों ने पैसे ले लिए, पूरी फीसें ले ली है। ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? आप इनका उनका दोष देकर के काम नहीं होगा, इनकी सरकार उनकी सरकार से नहीं। सरकारों ने जो जिस तरह से दमन किया है गरीब परिवारों का, उसमें कोई मजहब पंथ जात संप्रदाय की बात नहीं है, उसमें व्यवस्थाओं के नाम पर है। प्राइवेट स्कूलों ने जिस तरह से लूट मचाई है, उसे हम कहते हैं डकैती की है। उन्होंने अभिभावक को बिल्कुल एकदम परेशान किया है, नौकरियां भी गई, बच्चों की एजुकेशन तक गई, लेकिन इस देश की तमाम संस्थानों ने ऐसी व्यवस्था जो है नहीं दी जिसमें गरीब परिवार के बच्चों को कहीं से सहायता मिल सके, नहीं मिला। ये बहुत ही भर्सना योग कर्म है, मैं इसकी जितनी भर्सना की जाए कम है। ठीक है, फर्जी झंडा प्रोपेगेंडा चलाना ये एक अलग विषय है। ठीक है, हम सार्थक स्वागत करते हैं और करते रहेंगे। ठीक है अतीत जी, तरीके की घटनाएं जो अतीत जी आपके पास आ रहा हूँ मैं। देखिए, सवाल ये है कि अगर सरकार कुछ ऐसा कर रही है जिससे कि मदरसे में पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनका भविष्य अगर उज्जवल हो, उनके हाथों में लैपटॉप हो, तो इससे दिक्कत क्या है? क्यों ना सर्वे करवाया जाए, क्यों ना जो तमाम सोर्सेस हैं उनको चेक किया जाए? अगर ऐसा सरकार कर रही है तो आपको इससे क्या दिक्कत है? अतीक जी मैं तो ये कहना चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब विकास का एजेंडा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लैपटॉप दीजिए, पैसा दीजिए, रुपया दीजिए, भत्ता दीजिए, शिक्षा दीजिए, कौन मना कर रहा है? एक मिनट बात सुन लीजिए। लेकिन आप प्रॉब्लम तो यहाँ खड़ी कर रहे हैं ना, आप बात है उसको जांच कराएंगे, आप उसमें जो है जी, मेरा सवाल अतीत जी से ही है, कमियां देश में किसमें नहीं है? आप हो गया, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है, इसमें कमी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो अभी आपने कहा कि अतीक, अरे भैया चुप कराइए इनको, सुनिए, मैं अभी जो आपने कहा कि अतीक जी कह रहे हैं मंदिरों की जांच कराइए, मैंने मंदिरों को जांच नहीं कहा है, आरएसएस जो सरस्वती शिशु मंदिर चलाते हैं मैंने उसकी जांच की बात की। दूसरे ये कि अभी भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता है वो कह रही थी कि इन लोगों को बड़ी जलन हो रही है, करप्शन है, अनैतिक कार्य हो रहा है। अरे आपको जांच करनी है तो पुलिस वाले पीएसी वालों को अच्छा खाना खिलाइए,
अभी एक कांस्टेबल रोता हुआ आया था सोशल मीडिया पे, कह रहा था हमको खाना अच्छा नहीं मिलता है। वो रो रहा था, रोटियां दिखा रहा था, दाल दिखा रहा था, वहां करप्शन है, खाना उनको अच्छा खिलाइए। मदरसों को छोड़ दीजिए, हमारे जो सर मदरसों को क्यों छोड़ दिया जाए, क्या मदरसे इस देश में नहीं है? नहीं सर सुनिए ना आतिक जी, मदरसे क्या इस देश का हिस्सा नहीं है? क्यों छोड़ दिया जाए? मैं तो कहता हूँ हर, आपने कहा कि पुलिस कर्मियों की जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और वो जो तमाम सरस्वती शिशु मंदिर जिनकी आप बात कर रहे हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए, जो भी इस देश में संविधान के दायरे में आते हैं सबकी जांच होनी चाहिए, तो फिर मदरसे क्यों छोड़ दिया जाए? अतीफ जी आपको, लेकिन आपके दिल में कहीं ना कहीं चोर है, इसी वजह से आप सर्वे की बात कर रहे हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कह चुकी है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत दलितों से भी खराब है, तो यही बेस बना के आप हमको फंडिंग करिए ना, हमारे मदारिस को, हमारे लोगों को नौकरी दीजिए ना। आप तो हमारे घरों पे बुलडोजर चलाते हैं, बुलडोजर चलाएंगे और कहेंगे कि सबका साथ सबका विकास, मुसलमानों को बर्बाद, आप कैसे कर पाओगे? ऐसा नहीं हो सकता। चलता है दो जो कहीं ना कहीं अवैध निर्माण करते हैं उसको आप विक्टिम कार्ड बना के खेलिए मत। प्रयागराज में आपने गलत बुलडोजर चलाया, उसकी वो घर पत्नी का घर था, आप गलत अपराध करे चाहे अवैध निर्माण कर रहे हैं या मदरसे के नाम पे पानी में नहीं चलाया, या मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों से लूट मचाए, किसी के भी अगर कार्य सरकार करती है तो उसको विक्टिम कार्ड खेलकर आप किसी समुदाय का नाम मत दीजिए। सरकार गलत काम कर रही है, जो जज रह चुके हैं इस हिंदुस्तान में रिटायर्ड जजों ने और आज करके जजों ने कहा है कि गलत काम कर रहे हैं, बुलडोजिंग गलत है। आपको तो किसी का कुछ लेना देना नहीं है, आप तो किसी की मानने वाले नहीं है, आपको तो लगता है आपके पास बहुमत है, आप जो चाहोगे वो करोगे, जज कहें कुछ भी कहें, अदालत कहें गलत है, लेकिन आपके यहाँ कोई गलत नहीं होने वाला। आप तो सब कुछ वही करोगे कि जो आपके आपकी जो मनशा की व्यवस्था अच्छी हो, क्या आप बौखलाए हैं? आपका आपका आलू ऐसे चला नहीं, यहाँ पर आपका पोटैटो ऐसे चला नहीं, बौखलाया नहीं, बौखलाया आप है, क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि मदरसे में कौन सा पाठ्यक्रम लागू है, क्या आप नहीं जानना चाहते कि कौन सी गैर सरकारी और सरकारी संस्था मदरसे से संबंध है, क्या मदरसे में पढ़ने वाले जो छात्र छात्राएं हैं उनका किसी शिक्षण संस्था में नामांकन हुआ है कि नहीं हुआ है, किस तरीके से जो मदरसे में पढ़ रहे बच्चे, बिहार में आपकी सरकार चली गई, भवन है आप उस भवन का निर्माण कैसा हुआ है, क्या बच्चे उसमें सुरक्षित है, क्या पेयजल है, ठीक है ठीक है। अतीक जी, अतीक जी वापस आएंगे आपके पास, नितिन बोखलाई भाजपा है, भाजपा बोखलाई, ठीक है ठीक है, अतीक जी वापस आएंगे, नितिन चतुर्वेदी जी भी देखिए, नितिन जी जिस तरह से उन्होंने कहा कि देखिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, सर्वे हो रहा है, लेकिन सवाल जो है वो तमाम कहा जाए कि जो मुस्लिम स्कॉलर हैं वो इस पर खड़ा कर रहे हैं कि आखिर मदरसों की जांच क्यों हो रही है। और मैं बताता हूँ शांतनु भाई की मदरसों की जांच क्यों हो रही है। 12/7/2019 का एक है, बिजनौर के शेरकुट के मदरसा दारुल कुरान हमीदिया में अवैध शस्त्रों का जखीरा पकड़ा गया था। उसके बाद आइए 19/8/22 को भी फतेहपुर से पकड़े गए आतंकी ने बताया कि उसको यूपी और गुजरात के मदरसों में नए लड़कों को तैयार करने का काम दिया गया था। 2/10/2018 में NIA ने अमरोहा के IS के 13 संदिग्ध आतंकवादी पकड़े। पिछले 8 सालों में 10 आतंकवादी ऐसे पकड़े गए हैं जो देवबंद के मदरसों से पड़े हुए हैं। इसके अलावा मेरे पास कई ऐसे हैं, ये सारे ही सारे जो पकड़े गए आतंकी ये कहीं ना कहीं किसी मदरसे से जुड़े हुए थे। तो इसका मतलब ये नहीं है ना सर, नितिन जी इसका मतलब ये नहीं है ना कि सारे मदरसे खराब नहीं, हम तो कह भी नहीं रहे शांति जी, मैंने अभी शुरू में भी डिबेट में कहा था कि मदरसों से हमारे देश की बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां निकली हैं, लेकिन हम सिर्फ उन मदरसों की जाँच कर रहे हैं जहाँ से इस तरह के आतंकियों को पनाह दी जा रही है। मैं सारे मदरसों को कैसे कह सकता हूँ जिसने हमारे देश की इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों को दिया, हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी वो भी मदरसों से पढ़ के निकले थे और हमारे देश के भारत रत्न थे, लेकिन हमें जांच करनी है उन लोगों की जो मदरसों की आड़ में इस तरह का कार्य करके सारे मदरसों पे सवालिया निशान उठा रहे हैं और बहुत जरूरत है हमें ऐसे लोगों को पकड़ने की। ठीक है अतीक जी, इस तरह के जब केसेस सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत बढ़ जाती है उन तमाम ऐसे लोगों की जो अच्छा काम कर रहे हैं,
मदरसों में अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन इस तरह के जब कई केसेस जो है वो सामने आते हैं तो निश्चित तौर पर दिक्कत आप लोगों की बढ़ जाती है और उसके बाद जो है वो सरकार इस तरह का फैसला लेती है। अतीक जी, देखिए ये जो मदरसों में एनआरसी करने की कोशिश की जा रही है वो होने नहीं देंगे हम वो, और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो देश की सुरक्षा के लिए खिलवाड़ कर रही है। आपको पता होगा एक हफ्ते पहले, अभी जो ये कह रहे हैं ना मदरसों की जांच हुई थी, फला 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 पकड़ा गया था, अभी आपको पता होगा एक हफ्ते पहले सरकार ने जिस पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी को शरण दी थी हिंदुस्तान में, वो पाकिस्तान का मॉड्यूल बनकर जो है हमारी मुखबिरी कर रहा था, हमारी जो है खुफियागिरी कर रहा था, सरकार ने उसको पकड़ा है। तो पकड़ा क्या ना होनी भाई, चाहिए पकड़ा क्या ना वो रहे हैं, पकड़ा क्या ना, उसको भी तो सजा हुई सरकार ने, उसको छोड़ा तो वही मैं कह रहा हूँ जांच होनी चाहिए तो जांच ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं हम भी तो जांच की बात कर रहे हैं भाई। हिंदुस्तान की सरकार सीए लाकर हिंदुस्तान की जो संप्रभुता है, जो सुरक्षा है, उसको खतरे में डालने जा रही है। जांच सीए वालों की होनी चाहिए, शरणार्थियों की होनी चाहिए जो बाहर, और जो हिंदुस्तान में मदरसे वफादार है आप उनकी जांच कर रहे हैं। एनआरसी नहीं चलेगी, लेवाना करा करते जब सरकार जांच कराती है तो आप कहते हैं कि इसलिए रुकेंगे अवैध कार्य हो रही है उसको संरक्षण दिया जा रहा है, तब आप उन सरकारों पे सवाल भाई आप सवाल इसीलिए पूछे जाते हैं क्योंकि ये लोग आपके पास सवाल सवाल आप उस पर उठाते हैं। आप तो अच्छे आदमी हैं लेकिन इनकी वजह से आप जो बोल रहे हो हमारे घर से ये सब आप ये प्रोपेगेंडा है, भारतीय प्रोपेगेंडा है। अरे ये अरे प्रोपेगेंडा कहते हैं, पकड़े गए हैं लोग, जेल में हैं, कैसी बात करते हैं आप, शरीफ लोग पढ़ते। अरे ये आपके कहने से थोड़ी साबित होगा। अरे मैं कहा कह रहा हूँ, ये तो रिकॉर्ड कह रहा है, मैं कहा कह रहा हूँ, ये तो रिकॉर्ड कह रहा है भाई, मैं नहीं कह रहा हूँ, रिकॉर्ड कह रहा है। अरे कौन सा, अब आप कहते हैं कि आतंकवादी थे नहीं, वो तो बच्चे थे, कोई रिकॉर्ड नहीं कह रहा है, कितनी आतंकी घटनाएं कई घटनाएं तो थी, अरे आपकी बात थोड़ी मानेंगे आप, अरे फिर मैं बात मैं तो कहीं नहीं रहा, मेरी बात मानिए, ये तो रिकॉर्ड कर रहा है ना, आपकी बात थोड़ी मानेंगे, तो मैं कब कह रहा हूं बात मानिए, रिकॉर्ड नहीं, आप कैसे कह रहे हो आतंकवादी थे, अदालत ने बताया आतंकी इतने आतंकी घटनाएं उनको मानने के लिए, क्या अदालत ने कहा आतंकी पूरा हो गया हुई नहीं, क्या आतंकी घटनाएं अदालत ने उनको कह दिया, अदालत कह दी ना कि सब 26 की गलत हुई नहीं, जब अदालत नहीं कह रही तो आप कैसे करो, अदालत नहीं कह रही तो आप कैसे करो, अदालत ने कह दिया क्या, अरे तो आपके कहने पर कह तो रहा हूं, अदालत ने कह दिया घटना हुई नहीं, अदालत ने कह दिया, आप ये भी कह दीजिए, आप नहीं कह सकते किसी को, मैं कब कह रहा हूं, अदालत कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं, मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अदालत नहीं कहेगी, आप नहीं कह सकते, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कौन हूं कहने वाला, मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूं, रिकॉर्ड अगर कह रहा है तो पहले फैसला होगा अदालत का, जो मैं पकड़ा हुआ था ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, देखिए जो भी अवैध काम हो रहा है, जो भी पकड़ा गया है उसको उसका फैसला जो है वो निश्चित तौर पर होगा, सब जेल गए तो जो है उसको सजा देगा, अगर कुछ भी गलत हुआ तो निश्चित तौर पर कोर्ट जो है उसको सजा देगा, लेकिन सबसे बड़ा धन समझा हुआ उसे, बिल्कुल देखिए इस तरह से देखिए आपस में बहस मत करिए कि करके बोलिए तो पब्लिक को भी जो है वो कहीं ना कहीं समझ जाएगा। शांतनु भाई, मदरसों में जो बच्चे पढ़ते हैं वो हमारे देश का भविष्य है, उनके भविष्य से खिलवाड़ मत होने दीजिए, उनकी आड़ में उन बच्चों को गलत शिक्षा मत दीजिए। आपको याद होगा पूर्व में राष्ट्रगान पे भी ये वो आपत्ति थी कि मदरसों में राष्ट्रगान नहीं पढ़ा जाएगा, क्यों नहीं पढ़ा जाएगा भाई, आप हमारे देश में रहते हैं, राष्ट्रगान तो हमारे देश का है, एक आप कहते हो कि हमने लड़ाई लड़ी, हमने लड़ाई लड़ी, फिर राजगान साहब को क्या अग्निपथ का विरोध, क्या दिक्कत आपको राजगान से, बताइए नौजवान है, बताइए क्या राजगान से दिक्कत है, आप देश की लड़ाई लड़ी, आप खुद कहते हो कि हमने देश की लड़ाई लड़ी, देश का भविष्य दिलाई, लेकिन राजगान साहब को दिक्कत है, आजादी की लड़ाई लड़ाई कहां, आप जोड़ने का कार्य करिए, बच्चे हैं वो हमारे देश का भविष्य है, उज्ज्वल भविष्य है, उनके भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है मदरसों के नाम पे, हम उनके खिलाफ हैं, हम आपके खिलाफ नहीं है, मुसलमानों से मोहब्बत करते हैं, हम बहुत मोहब्बत करते हैं असीम भाई, हम बहुत मोहब्बत करते हैं, उनको अपना बच्चा मानते हैं, और उनके भविष्य से खिलवाड़ ना हो इसलिए कहते हैं कि इस तरह के कार्यों को रोका जाए, उनके भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, अग्निपथ का विरोध कर रहे हैं आप, उनके भविष्य की आप उनके भविष्य का जहर वो करिए, जो लोग अग्निपथ, अरे भैया ये भविष्य हमारे देश का है, हम आप नहीं रहेंगे, बच्चे रहेंगे कल अतीक भाई, विरोध ये बच्चे रहेंगे, हम आप नहीं रहेंगे, ठीक है, जनता पार्टी की योजना से खुश नहीं है, ठीक है अतीक जी, अग्निपथ के लोगों का भविष्य आपने खराब करके रख दिया 4 साल उनको, ठीक है अतीक जी, देखिए आपने जो है ना मदरसे का विषय था, आपने तमाम उसमें लेवादा भी आपने जोड़ा, उसमें आपने सीए एनआरसी भी जोड़ दिया, आपने उसमें अग्निवीर भी जोड़ दिया,
सब कुछ आपने जोड़ दिया, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल जो है वो भी इसी वजह से खड़े होते हैं, जैसा कि नितिन जी ने बताया कि तमाम ऐसे केसेस जो है वो कहीं ना कहीं सामने आते हैं जिसके बाद से सवाल खड़े होते हैं। आखिरी वक्त जो कि कमी है, चूंकि मैं शबनम जी से जानना चाहूँगा, शबनम जी देखिए सवाल ये होना चाहिए सरकार का कि एक जो मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका जो है एक विकास होना चाहिए, लेकिन एक मंशा के तहत कहा जाए कि उसको टारगेट करने के मकसद से उन पर कोई कार्रवाई अगर हो रही है तो वो निश्चित तौर पर गलत है। अगर आप वास्तव में लैपटॉप देना चाह रहे हैं बच्चों के हाथों में, एक हाथ में कुरान हो एक हाथ में लैपटॉप हो, तो ये लैपटॉप वितरण की प्रक्रिया कब से शुरू हो जाएगी ये भी बता दीजिए, और टारगेट नहीं है ये कैसे आखिर इनको विश्वास होगा कि सरकार हमें टारगेट नहीं कर रही। बहुत छोटा सा जवाब, दो मिनट का वक्त है। शबनम जी, शांतनु जी, सबसे पहली बात, जिस तरीके से अतीक जी खिलाफत कर रहे हैं सर्वे का, यही एक प्रमाण देता है कि ये नहीं चाहते कि इनके नौनिहाल कहीं ना कहीं सक्षम बने। वो अगर ठगे जा रहे हैं तो उन्हें ठगे रहने देने का ये पहल करते हैं। जब सरकार पूरी निष्पक्षता के साथ तमाम बिंदुओं को सामने लाई है, 12 बिंदुओं में साफ तौर पर झलकता है सरकार की इच्छा शक्ति और मंशा की, किस तरीके से जो गलत मदरसे चल रहे हैं जहां केवल फंड लेकर फंड का गैर इस्तेमाल हो रहा है, ऐसे मदरसों पे चूड़ी कसने की और जो अच्छा चल रहा है उसकी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए, और जो सरकार ने बार बार मंशा जाहिर की है कि एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर। बहुत बहुत शुक्रिया शबनम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया शबनम जी पूरा इस पर अपनी अपनी बात रखने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, शैलेंद्र जी, मोहम्मद अतीक जी, नितिन चतुर्वेदी जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सवाल, जिस तरह से मदरसों पर की जो फंडिंग हो रही है वो आखिर कहाँ से हो रही है, और इसी तरह के तमाम जो मदरसों को लेकर सवाल है इसी पर सर्वे जो है वो सरकार करा रही है, जिसकी वजह से तमाम ये जो सवाल है वो खड़े हो रहे हैं। लेकिन उम्मीद ये की जानी चाहिए कि सरकार का जो मकसद है कि किस जो मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी अधिकारी बने, इंजीनियर बने और डॉक्टर बने, यही मंशे का साथ अगर सरकार काम करती है तो निश्चित तौर पर मदरसों का भला होने वाला है। फिलहाल कुरुक्षेत्र में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।